खबर। गोरेगांव तिरडा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस आरपीआई पीडीपा भाकपा व महागठबंधन के मित्र पक्षों के अधिकृत उम्मीदवार रविकांत गुड्डू बोपचे के चुनाव प्रचार का पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के हस्ते चुनाव प्रचार कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद डॉक्टर कुशाल बोपचे ने की तथा प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व सभापति पीजी कटरे उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थितियों को संबोधित करते हुए श्री जैन ने कहा कि हमारी पक्ष द्वारा एक युवा साथी को इस बार नए जोश के साथ चुनाव में उतारा है। हमारे युवा साथी को प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल हो इस हेतु सक्रियता से कार्य करने का आह्वान पदाधिकारियों व कार्यक्रमों से किया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन की कथनी और करनी अलग होने की भी बात कहते हुए कहा कि सरकार किसान विरोधी है। किसानों ने हित में किसी भी प्रकार का कोई फैसला इस सरकार ने नहीं किया है। इस सरकार के शासनकाल में बेरोजगारी, सामान्य वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि हुई है। आने वाली 21 तारीख को मतदान के दिन रविकांत गुड्डू बोपचे को मतदान कर इस सरकार को सबक सिखाना है, ऐसा उन्होंने सभा में कहा है। कार्यक्रम में उपस्थित जगदीश येरोला, सिटी चौधरी, देवेंद्र रांगडाले, प्रकाश रांगडाले, मलेश्याम येरोला, महेंद्र चौधरी, रामू हरिनेकड़, प्रदीप जैन, अनिता तुरकर, भोजराव चौहान, नीरज धमगाई, राहुल कटरे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारी चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ। धन्यवाद।